नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में माल देवता की पहाड़ियों में चल रही द डार्क जंगल की शूटिंग को लेकर पर्यटकों का सैलाब देखने को मिला है। माल देवता की सौंग नदी में 3 दिन से चल रही शूटिंग को लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, द डार्क जंगल फिल्म की थीम हॉरर दीवारों को लेकर रखी गई है, जिसमें तमाम रात की भयानक तस्वीरों और भूतिया पहाड़ों से रूबरू कराएगी। फिल्म की शूटिंग में 2 दिन पूर्व मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर भी माल देवता फार्म्स पर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में हो रही डार्क जंगल फिल्म का निर्देशन राकेश सावन कर रहे हैं। कई फिल्मों के निर्देशक रह चुके राकेश सावन ने उत्तराखंड की पहाड़ी को लाजवाब बताया है। इस फिल्म को लेकर हमारे संवाददाता पारस रावत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर फिल्म निर्देशक राकेश सावन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या हुआ इस रिपोर्ट में। फिल्म सिटी की तर्ज पर उतर रहा उत्तराखंड आज अपनी प्राकृतिक वादियों के लिए और सुंदरता के लिए जाना जा रहा है। वहीं अभी हम मौजूद हैं माल देवता में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सौंग नदी में, जहां पर शूटिंग चल रही है। लगातार यहां पर शूटिंग हो रही है 4 दिन से, जिसमें कि मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर भी यहां मौजूद थे और अनेक कुछ साउथ के हीरो भी यहां पर मौजूद थे, जो कि छोटे छोटे किरदार के रूप में दिखते हैं फिल्मों में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से माल देवता यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य भरा ये पूरा दृश्य है। चारों तरफ यहाँ पहाड़ियाँ रहती है। कैमरा मैन को बोलूँगा पूरा जूम कर दिखाएं जिस तरह से ये शूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी किनारे पूरी शूटिंग है और लगातार तमाम एक हफ्ता से यहाँ पे उत्तराखंड की जो देहरादून जिले में तमाम जो जंगल वाले इलाके में शूटिंग हो रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि जो पिक्चर की थीम है द डार्क जंगल के नाम से है और पिक्चर का नाम भी यही है, तो इसको लेकर जंगल को लेकर यहाँ पे तमाम जो भी देहरादून के जंगल है वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है। और अभी हम माल देवता में और माल देवता का सीन देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो उनका पूरा दल है, जो कि पूरी शूटिंग सेट है यहाँ पे तैयार है। आप देख सकते हैं जैसे लाइटिंग टेस्ट हो रही है अभी, यह वाइट बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शूटिंग होती है और कैमरे के लिए वाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे क्रेन भी लगी है और ड्रोन से भी अधिकतर शॉट देखे गए हैं, क्योंकि माल देवता जो फॉर्म है वहाँ पे शक्ति कपूर 2 दिन पहले रुके थे और स्टे किया था और तमाम क्षेत्रवासियों से भी मिले। उसी को लेकर यहाँ पे कुछ और सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है, जो इन इसके पूरे क्रू के साथ हैं, दल के साथ हैं। उनसे बात करेंगे इसकी शूटिंग, पिक्चर की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है। मैं कैमरा मैन के थोड़ा सा पास आए तो भाई साहब से बात करेंगे कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई है। भाई साहब, ये पिक्चर की क्या थीम है वैसे? पिक्चर का नाम किससे है? ये द डार्क जंगल है, ये भूतों की जंगल हॉरर मूवी बन रही है। इसकी शूटिंग हुई है विश्रांति जंगल में हुई है और ये आपका क्या वो दारियो रिसोर्ट है, गुच्छू पानी में वहाँ हुई है या माल देवता में हो रही है, और मसूरी में भी हुई थी 1-2 बार, बाकी इतना ही जानता हूँ मैं। आप इन पूरे दल के साथ थे, शक्ति कपूर के सर के साथ भी आप थे, कैसा लगा आपको देहरादून में? कैसा लगती है लोकेशन? लोकेशन बढ़िया लगती है देहरादून की, अच्छी है, बहुत सुंदरता है देहरादून की, माल देवता में और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। माल देवता में? जी सर। माल देवता में कब से हैं आप? अभी अभी हम ये सुबह 9 बजे से हैं यहाँ। और पहले भी थे? कल परसों से? कल भी थे, कल भी हम सुबह से रात 10 बजे गए यहाँ से। 2-3 दिन हो गए यहाँ शूटिंग रेगुलर चल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जो कि क्रू के मेंबर, उनका भी कहना है कि माल देवता की सुंदरता है उसको वो बयां नहीं कर सकते, लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से जो आप बताया कि द डार्क जंगल, जो कि एक भूतिया फिल्म बता रही है, हॉरर मूवी है, उसकी शूटिंग यहाँ पर हो रही है, तो सोच सकते हैं कितनी अपार संभावना है फिल्म सिटी को लेकर देहरादून में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम व्यू है माल देवता का, जहाँ अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ की ठंडी ठंडी वादियों में रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस माल देवता का नाम तमाम नदियों में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होती है और जब सौंग नदी आती है तो ये उफान पर आ जाती है, अपना रौद्र रूप ले लेती है। और आप देख सकते हैं पानी को, देख सकते हैं नदी का किस तरह से क्रिस्टल की तरह शाइन मार रहा है पानी। आप देख सकते हैं कितना सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य व्यू आपको दिख रहा हो माल देवता का भी, जिस प्रकार शूटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा दल है जो क्रू मेंबर्स हैं इनके शूटिंग के। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं
अलग अलग क्रू मेंबर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि शूटिंग के लिए जिस तरह से यहाँ क्रू मेंबर ने बताया 3 दिन से लगातार शूटिंग चल रही है, और शूटिंग को देखते हुए यहाँ पे जो मौसम है अचानक यहाँ पे मौसम बदल भी जाता है माल देवता का। अभी देखो धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, शायद पैकअप हो रहा है सामान क्योंकि बारिश लग चुकी है, और बारिश में शूटिंग करना बहुत ही अद्भुत हो जाता है। जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पे आते हैं माल देवता में पिकनिक मनाने, और अब जिस तरह से पर्यटक हब तो है ही माल देवता, और जिस तरह से लगातार यहाँ पे शूटिंग हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी भी उत्तराखंड की ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अनछुई हैं। और जिस तरह से माल देवता को आज जो यहाँ के फिल्म के निर्माता होंगे, जो भी जो लाइन प्रोड्यूसर यहाँ पे अदलगा सुमित अदलगा, उन्होंने प्रेफर किया जिस तरह से माल देवता की वादियों को दिखाया जाएगा। आगामी 2021-22 में फिल्म रिलीज होगी, और जिसको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पे भूतिया फिल्म देखेंगे, और माल देवता के सीन और देहरादून के तमाम जंगलों के सीन भी इस मूवी में दिखाए जाएंगे। आखिर किस तरह से मुंबई जो कि फिल्म सिटी के लिए जाना जाता है और धीरे धीरे रुक कर रहा है उत्तराखंड की पहाड़ियों में, और लगातार ऐसे कई फिल्में शूट कर चुकी हैं यहाँ पे, जहाँ पे तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी उत्तराखंड के पहाड़ में आकर, जैसे कि केदारनाथ थी जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की जो एक पिक्चर थी वो भी बहुत रिलीज हुई थी, हिट हुई थी, उसके बाद तमाम ऐसी पिक्चरें हैं, और यहाँ पे शाहिद कपूर भी आए थे अपनी पिक्चर के लिए, और ऐसे ही तमाम जो अभिनेता हैं लगातार देहरादून की वादियों पर रुक कर रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे के साथ, जो कि फिल्म के लिए व्यू माना जाता है देहरादून का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नज़ारा, ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं बयां कर रहा है देहरादून की पहाड़ियाँ जिस तरह से लुभा रही हैं मुंबई के फिल्म सिटी और फिल्म जगत के लोगों के लिए। तमाम सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं, और जिस तरह शूटिंग के लिए बहुत परफेक्ट लोकेशन मानी जाती है माल देवता, उसका एक नज़ारा और छोटा सा उदाहरण आप दे सकते हैं माल देवता की नदी पर। जिस तरह से अभी हमने आपको ऊंचाई से दिखाया जिस तरह से माल देवता नदी में शूट चल रहा था द डार्क जंगल को लेकर, अभी देखिए हल्की हल्की बारिश पड़ चुकी है और शूट अभी रुक चुका है कुछ देर के लिए। तो आइए सीधे जो उनके डायरेक्टर हैं राकेश सावंत से बात करते हैं किस तरह की ये फिल्म है, किस तरह वो देखते हैं आने वाले समय को। और लगातार देहरादून के कई जिलों में इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, और हमारे बीच अभी मौजूद हैं जो यहाँ के निर्देशक है फिल्म के राकेश सावंत। सर किस तरह का पिक्चर है, कैस की थीम? एक्चुअली ये फिल्म है द डार्क जंगल, एंड ये एक अलग तरह की फिल्म है जो आज तक बॉलीवुड में बनी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। और देहरादून एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हम ये शूटिंग कर रहे हैं, पूरी फिल्म यहीं पे बन रही है देहरादून की वादियों में जंगल में, और एकदम खौफनाक फिल्म है ये। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो दुनिया के दर्शक है, मेरे जो हिंदुस्तान के दर्शक है, उनके लिए ये अलग फिल्म बना रहे हैं हम। जैसे ये हॉलीवुड फिल्म बनती है रॉन्ग टर्न की 10 सीरीज़ बनी है, वैसी ही ये फिल्म हम बना रहे हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट वाकी। इसमें शक्ति कपूर जी हैं, सुदेश बेरी हैं, के गोस्वामी जी हैं, जावेद है, हमारी हीरोइन है रक्षा गुप्ता, और हीरो है भावेश कुमार, और ऐसे 5 कपल्स हैं, और एक डिफरेंट टाइप का हमने एक मेकअप यूज़ किया है इसमें। जैसे एक फिल्म आई थी शंकर की, साउथ की बहुत बड़ी फिल्म है, उससे इंस्पायर होके और हॉलीवुड से इंस्पायर होके मैंने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है। बहुत मज़ा आएगा लोगों को, एक अलग अंदाज की फिल्म है, एक मर्डर मिस्ट्री, एक थ्रिल है, एक एडवेंचर है, और इसके करीब 5 पार्ट्स बनेंगे। तो हर कोई यहाँ पर पार्ट्स बना रहा है, तो मुझे भी मौका मिल रहा है पार्ट्स बनाने का, पार्ट 1 पार्ट 2। सर जिस तरह देखते हैं आप उत्तराखंड लगातार यहाँ पे जो मुंबई की है सभी लोग यहाँ पर रुक कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं उत्तराखंड की फिल्म सिटी को लेकर? बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि बॉम्बे से हम पक चुके हैं, और मैं करीब 22 साल से बॉम्बे में, 23 साल से शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ की फिल्म सिटी में कुछ रहा नहीं। अभी आसपास बिल्डिंग्स आ गई हैं, और इसी बटे वही मंदिर, वही घर, वही सब कुछ, तो ये एक अलग चीज़ है, ये अलग। देहरादून में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम यहाँ पे शूट करें और यहाँ की लोकेशन को एक्सप्लॉइट करें, और यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तान को बताएं कि देहरादून में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शूट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो साफ तौर पर जो कि निर्देशकों का कहना यही है कि मुंबई से अब कुछ वो पक चुके हैं जिसके तरह उत्तराखंड में रुक कर रहे हैं, अनेक ऐसे पहाड़ी राज्यों में रुक कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।